ऑल राइट, अगर हमने 11,400 पे सेल किया है, सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस रखेंगे. स्टॉप लॉस लेट्स मेक इट 3%. मैं 3% इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़े स्विंग्स हैं. आपके कभी इंट्राडे करना हो, ये पोजिशनल ट्रेड है हमारा, इंट्राडे करना है, वहाँ पे ये परसेंटेज विल बी डिफरेंट. मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि कहाँ 3%, कहाँ 1%, कहाँ आधा परसेंट और उससे भी कम लेना है. तो मेरे पास जो ये निकल के आया 342, मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो दैट विल बी माई स्टॉप लॉस. तो ओके, ये ऐड करना है, ऐड कर दिया. देन आवर स्टॉप लॉस इज 11,742. 11,742 पे एक लाइन मार्क कर देते हैं. 11,742 ये हमारी एक लाइन मार्क हो गई. 11,742 या हेयर इट ओ 742 ये. नाउ दिस इज अवर स्टॉप लॉस. इसका कलर चेंज कर देते हैं. अब जो हमने पोजीशन बनाई है वो रेड कलर ही रखते हैं और जो शॉर्ट सेल किया है उसको रेड रखते हैं. ये मेरा ब्लू स्टॉप लॉस हो गया. प्राइस वहां तक नहीं गया, प्राइस मेरी फेवर में गिरा. देन व्हाट आई विल डू, इसका 5%, 3% का स्टॉप लॉस रखा है, 5% अगर और गिरता है तो देन आई विल मेक मोर पोजीशन. आप और ऐड करेंगे अपनी पोजीशन को ऊपर. आपने पहले 11,400 के आसपास सेल किया था, वहां से 570 विच इज ए 5% वो आप डिडक्ट कर दें. अब 10,830 आएगा तो आप नया ट्रेड लेंगे. हर 5 मिनट बाद आपने एवरेज नहीं करना या हर 50 रुपए पे या 100 पॉइंट पे नहीं करना. आपने कितने 5% के ऊपर आपने पोजीशन बिल्ड की, आपका 10,822. ओके, यहाँ पे आपने इसका कलर ब्लू नहीं, इसका रेड ही रखते हैं. नया ट्रेड आप ले रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं. दिस इज ए रेड कलर. यहाँ आपने नई पोजीशन और बिल्ड की. पहले आपने 11,400 के आसपास बेचा था, अभी 10,830 पे आपने और सेल किया. सेल करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है दैट विल बी चेंज. आपने अगर पहले 5 लॉट बेचे, बाद में 4 लॉट बेचे, तो 9 लॉट का स्टॉप लॉस विल बी नाउ 10,830 का 3% कैलकुलेट करें, उसमें ऐड कर दें 10,830 में 324. ऐड करने के बाद ये मेरे पास जो रिजल्ट आया दैट इज 11,154. नाउ जो ये ऊपर आपका स्टॉप लॉस था 11,742 का, इसको आप नीचे ले आए अपने स्टॉप लॉस को. नाउ दिस योर स्टॉप लॉस वुड बी एट 11,100, 150. ये आपका 50 या 54, दैट वुड बी योर स्टॉप लॉस. ओके, वहां तक दोबारा मार्केट नहीं गया. दोबारा 5% का फॉल अगर आता है, ये केवल जिस समय आपका ब्रेकआउट होगा, आपके ऊपर आपके जब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से या अकुमुलेशन पैटर्न से बाहर निकलेगा तभी यू विल ओनली ट्रेड. आप 10,830 का फिर 5% लीजिए तो आपके पास उसको डिडक्ट करें तो नेक्स्ट लेवल आपके पास आ गया, दैट इज 10,288. अगर ये प्राइस आता है तो आप और माइनस की पोजीशन बिल्ड करेंगे 10,288. ये आपको स्विंग्स तभी मिलेंगे जब आपका एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में से बाहर निकलेगा, उस फेज में से बाहर निकलेगा प्राइस. और अगर वो जंप करके उससे बाहर निकलता तो देन इट इज ए वंडरफुल फॉर्मेशन. ऑल राइट, तो आप यहां पे नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट सेल की पोजीशन आप बिल्ड करेंगे दैट विल बी नियर टू 10,288 और समथिंग लाइक दैट. ओके, आपका नेक्स्ट आपका सेल पोजीशन ये आ गया. इसका आप 3% ऐड कर दें. 10,288 का 3% इज व्हाट, इसका 3% इज 308. वो आप उसमें ऐड कर दें. 10,288 प्लस 308 दैट वुड बी योर स्टॉप लॉस. आपका 10,596 का स्टॉप लॉस है. ओ, ये वापस पुल बैक हुआ है, शायद हो गया हो, आई डोंट नो. अभी ये ब्लू लाइन को नीचे ले आते हैं 10,000. ओके, आप 10,600. ओके, 605 या इसका कितना था, 10,592 या 98, दैट वाज योर स्टॉप लॉस. ये शायद टच कर गया है इसको. आई विल चेक इसका हाई कितना है इस कैंडल का.
ओके, इसका हाई है 10,545। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, 10,545 का इसका हाई है, तो वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। स्टॉप लॉस से कम 50 पॉइंट दूर से ही प्राइस गिर गया, और आप फिर 10,855 से 5% और कम करें। अब तक आपने 5 लॉट, 4 लॉट, 3 लॉट, इस तरह से आपके 12 लॉट्स आप माइनस कर चुके हैं। 5,514 इसका 5% आया, तो 514 लेस करने के बाद आपका आ गया 9,773। 9,773 या 9,777 पे आप दोबारा माइनस की पोजीशन बिल्ड करेंगे। ऑल राइट, आपका ये माइनस की पोजीशन बिल्ड हुई, और उससे अगले दिन मार्केट खुला ही 8,500 के आसपास था, 8,700, 8,500। नेक्स्ट डे ये जो नई कैंडल है, इट ओपन्ड एट समवेयर नियर 9,100, और वहां से वो प्राइस और गिर के नीचे फ्रीज हो गया था मार्केट एट 8,500 के आसपास, टाइप 8,400, 8,500। 5% से तो अधिक ही नीचे खुला, तो इसका 5% इफ आई कैलकुलेट, इसका 5% है 488। 488 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 9,284, और मार्केट प्राइस ये इससे भी नीचे खुला, यानी इट ओपन एट 9,100, 9,100 के आसपास खुला, उससे भी नीचे खुला। इसका भी 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तो एक आप चाहें तो ओपनिंग पे यू विल सेल, बट अदरवाइज आप इसका भी 5% कैलकुलेट करें, तो नेक्स्ट प्राइस आ गया 8,820। 8,820 पे आप एक और सेल बनाएंगे। अभी तक आपके 5,4,3,2,1, आपके सारे जितने भी आपने एवरेजिंग करनी थी वो सारी पूरी हो गई आपके पास। पहले 5, 4, 3, 2 और 1, उसके बियॉन्ड आपको एवरेज नहीं करना। ऑल राइट,